कोरोना को हरा चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपना प्लाज्मा दान करेंगे। जी हां, रविवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए वे अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अब अपना प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है। रविवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बॉडी में कोरोना के एंटीबॉडीज डेवलप हो गए होंगे, लिहाजा वो जल्द ही प्लाज्मा डोनेट करेंगे। सीएम के मुताबिक जब डॉक्टर उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए फिट बताएंगे तो वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर देंगे। इधर शिवराज ने प्लाज्मा डोनेट करने का ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने शिवराज को सलाह देते हुए निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत संवेदनशील प्रतीत होते हैं और वो अच्छे मन से शायद संभवतः इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। ये स्वागत की बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ में उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्लाज्मा डोनेशन की जो नियत अवधि है उस अवधि तक वो धैर्य रखें, सबूरी रखें, सब्र रखें और अन्यथा जो है इसके कोई दूसरे परिणाम ना हो। हालांकि मैं इतना डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसा जो है सामाजिक सार्वजनिक डोमेन में जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके अनुसार जो परिपक्व जो एंटीबॉडी जब तक विकसित होती है तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसका धैर्य रखना चाहिए और किसी मंत्री को वो अपना प्लाज्मा तब तक डोनेट ना करें जब तक कि उनको चिकित्सकीय अनुमति नहीं मिल जाती। बाकी उनकी भावना का मैं आदर करता हूँ और सामान्यतः इस तरह की बातें ये जो सहानुभूति और समानुभूति की का विषय होती हैं और इनकी जो इनको जो है प्रचार तंत्र में नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दरअसल एमपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। वे दिल्ली में रहने के दौरान ही संक्रमित हो गए थे। दिल्ली में ही सिंधिया ने प्लाज्मा डोनेट किया था। एमपी के इंदौर और भोपाल में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।